तिगाम से भाजपा के विधायक राजेश नागर आज बेला गांव पहुंचे, जहां पर गांव के लोगों ने विधायक राजेश नागर का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर वर्षों से चली आ रही बेला गांव की सड़क का आज नारियल फोड़कर उसका शुभारंभ किया। हम आपको बता दें कि लाखों की लागत से बनकर तैयार होने वाली इस सड़क का विधायक राजेश नागर ने गांव के बुजुर्गों के हाथों से नारियल तोड़वाकर सड़क निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही साथ गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जल्द ही आप सभी की समस्याएं निपट दी जाएगी। सड़कों का आपने उद्घाटन भी किया है, क्या कहेंगे? देखो, बेला जो हमारा एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल जमुना से सटा हुआ है जी, यहाँ पे कुछ इनकी जो गलियों की सड़कों की समस्या थी, कुछ सड़कों का तो आज उद्घाटन कर दिया है और कुछ सड़कें आने वाले जो नए ग्रांट में हम उनको लेकर बनवाएंगे और इनको आज एक लाइब्रेरी भी गांव के लिए दिए और इनकी जो एक चौपाल का काम होना पड़ा था उसके लिए भी अभी बात करी है वाल्मीकि चौपाल का, तो वो भी जल्दी बना दी जाएगी और तीन चार और जो सड़कें हैं उसके लिए भी नए प्लान में या नई जो ग्रांट आएगी उसमें बना दी जाएगी। अभी हाल ही में ग्रामीणों ने एक समस्या, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है। देखो, उसको 2014 में ये फाइल गई, उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ मेरे नॉलेज में इस बात नहीं थी, आज ही मुझे पता लगा है। उसके लिए हम अपने खेल मंत्री से और जो भी इसके रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं जिनके पास ये पंचकूला में बता रहे हैं फाइल है, उनसे बात करके उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल कर कोशिश करेंगे उनको कोई सरकारी नौकरी मिले या सरकार उनको कुछ सुविधाएं दे। देखिए, ग्रामीणों ने यहाँ और क्या कहेंगे इसके लिए, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अगर फिजिबिलिटी अगर मिलेगी हमें, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ी दूर पर अरुआ में ही एक टाइफून पुल बना हुआ है कुछ सालों से, तो अगर फिजिबिलिटी नज़र आएगी तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे टाइफून पुल बने। चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? दरअसल अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर डाल दिया है और किसी भी समय चुनावी भी गुजरे, सरकार तो पहले भी तैयार थी चुनाव करने के लिए जी, तो कोर्ट में विचाराधीन था मामला, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहे थे और अब सरकार जल्दी चुनाव कराएगी।